नई वीडियो नया दिन भाई सब कसन दो व्लॉग में स्वागत है। आज अपने स्कूटर ने साल हो गया और भाई अपने एक साल में 24,143 किलोमीटर चलाए दी है और भाई हमने आज तक कोई ब्रेक पैड चेंज नहीं करवाया, जो कि कंपनी बोल रही थी अगर भाई 5,000 किलोमीटर चलाने के बाद अगर भाई ब्रेक पैड चेंज, और भाई हमने कोई चेंज नहीं करवाया अभी तक। हमने भाई एक पूरा एक साल हो गया स्कूटर चलाने ने, और भाई मैंने आज तक कोई सी यूट्यूब पर वीडियो नहीं देखी भाई जिसकी स्कूटर इतनी 24,000 किलोमीटर या 20,000 भी किलोमीटर किसी की चल रही हो। भाई मैंने आज तक जितनी वीडियो देखी है कोई 5,000 चल रही है और कोई 10,000 चल रही है, ज़्यादा नहीं चल रही भाई किसी के ब्रेक पैड। और भाई अपने वाले स्कूटर के पूरे 24,143 किलोमीटर पर ब्रेक पैड चेंज होने लग रहे हैं आज पहली बार। ब्रेक पैड हमने पहले ही ऑर्डर कर दिए थे अमेजोन पर, क्योंकि हम आज ओला के ब्रेक नहीं गलवा रहे हैं भाई, इसका कारण ये है हम ये देखना चाह रहे हैं भाई या बाहर वाले ब्रेक बीच में कामयाब है या कंपनी बना रही है जो वही कामयाब है, बस हमारा यो मकसद है। और भाई कंपनी के प्रोडक्ट तो हमने कोई दिक्कत नहीं है, पूरे साल में पहली बार ये नट खोले थे खोलना थे वो खुले नहीं, हल्के लगाते फैल हो गए। ये वेल्डिंग वाले पर जाकर इन पर वेल्डिंग करवा कर जब खुलवाने लग रहे हैं फिर ब्रेक गलेंगे भाई जब ये नट खुलेंगे, क्योंकि ये नटे नहीं खुल रहे। लो भाई ब्रेक पैड चेंज करवा दिया और भाई 22,000 में इतनी किसकी थी यार, 24,000 में बहुत ज़्यादा घिस रही भाई, तो इसका तो मेटल भी घिस रहा है कुछ नहीं रह रहा। या 2,000 पहले ये लगवाने थे इसके यहाँ भाई, ब्रेक गलवा दिए और 5-4 किलोमीटर चल रहे हैं ये भाई सही पता नहीं लग रहा अगे ब्रेक ठीक है या गलत है, क्योंकि भाई जी मिस्त्री ने बोलिया भाई थोड़ा बहुत चला 500-600 किलोमीटर थोड़ा चला जब पता लग गया भाई सही ब्रेक लग रहे। अमेजोन ते ऑर्डर करे थे, कंपनी वाले तो बोल रहे थे 1500 रुपये, ये हमने पढ़ के 448 के वैसे आए थे और 200 रुपये गलवाने के ले लिए भाई, यो खर्चा होया। और भाई ये ठीक है या गलत है अगली वीडियो में बताऊँगा भाई, क्योंकि थोड़ा चलाया ला इसने जब चलाए बाद से ही समझ में आओगा कि यह ठीक है या गलत है।